बच्चों, आप सभी आवर्त सारणी से भली भांति परिचित हैं और आप ये भी जानते हैं कि हमारे आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं। और आवर्त सारणी में कार्बन कहाँ पर स्थित है? कार्बन आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में 14वें वर्ग का एक सदस्य है। इस अकेले कार्बन परमाणु के द्वारा निर्मित यौगिकों की संख्या आप जानते हैं कितनी है? लगभग 70 लाख से भी ज्यादा। जबकि बाकी के सभी तत्वों के द्वारा निर्मित कुल यौगिकों की संख्या केवल 30 लाख है। कार्बन के इतने अधिक यौगिकों की संख्या के पीछे कारण क्या है? कारण है इसमें श्रृंखलन या कैटेनेशन का गुण पाया जाना। कार्बन परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध के द्वारा लंबी श्रृंखला बनाने का अद्वितीय गुण रखते हैं। ये कार्बन परमाणु सीधी श्रृंखला भी बना सकते हैं, ये शाखित श्रृंखला भी बनाते हैं या फिर चक्रीय श्रृंखला भी बना सकते हैं। दूसरा गुण है कार्बन की चतुस्संयोजकता। हम सभी जानते हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2, 2s2, 2p2। यानी कि इसके संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसलिए यह अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 अन्य एक संयोजी तत्वों के द्वारा सहसंयोजक बंध बनाता है। यह हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन तथा हैलोजनों के साथ भी संयुक्त होकर अपनी संयोजकता की पूर्ति कर लेता है। इतना ही नहीं, यह संयोजकता पूर्ण करने के लिए कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध तथा त्रिबंध भी बना सकता है। यही कारण है कि कार्बन यौगिकों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। कार्बनिक यौगिकों के प्रबल होने का एक और कारण इसका छोटा आकार है, जिससे सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए दोनों इलेक्ट्रॉन जोड़े नाभिक के द्वारा काफी मजबूती से बंधे रहते हैं और कार्बनिक यौगिकों को स्थायित्व प्रदान करते हैं। आइए अब हम जानते हैं कार्बनिक यौगिकों को कौन कौन से सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, यानी कि कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण। इसके कई विधियां हैं, जैसे कि लुईस संरचना विधि, जिसे हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। दूसरी है पूर्ण संरचनात्मक सूत्र विधि, जिसे हम कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं। तीसरी विधि है संघीय संरचनात्मक सूत्र या कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और चौथी विधि होती है आबंध रेखा सूत्र या जिसे हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें किस प्रकार से यौगिकों को प्रदर्शित करते हैं, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं लुईस संरचना के बारे में। लुईस संरचना में कार्बन तथा अन्य तत्वों के बीच जो आबंध होता है उसे दो बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मिथेन की संरचना हम इस तरह से लिख सकते हैं, बीच में कार्बन है तथा चारों हाइड्रोजनों के बीच जो सहसंयोजक बंध है उसे दो दो बिंदुओं के द्वारा दर्शाया गया है। इसी तरह से दूसरी संरचना होती है पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। इसमें सहसंयोजक आबंधों को एक छोटी डैश लाइन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तथा जो विषम तत्व होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हैलोजन, इनमें उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों को दो डॉट बिंदुओं के द्वारा दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए मेथेनॉल का सूत्र हम इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर कार्बन है, इससे जुड़े हुए तीनों हाइड्रोजनों को सिंगल छोटे डैश लाइन के द्वारा दर्शाया गया है। उसी तरह से कार्बन ऑक्सीजन तथा ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच जो आबंध है उसे छोटी डैश लाइन के द्वारा दर्शाया गया है तथा ऑक्सीजन के पास जो दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं उन्हें दो जोड़े डॉट बिंदुओं के द्वारा दर्शाया गया है। इसी तरह से आप देख रहे हैं एसिटिक एसिड की संरचना भी लिख सकते हैं। बच्चों, तीसरा सूत्र है संघीय संरचनात्मक सूत्र या जिसे हम कहते हैं कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। इस सूत्र में लिखते समय हम सारे बंधों को हटा देते हैं, जो डैश लाइन होती है उसे नहीं लिखा जाता है और तत्वों को एक साथ मिलाकर लिखा जाता है। उदाहरण के लिए एथेन का सूत्र हम कैसे लिखेंगे,
CH3CH3, एथीन का सूत्र CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथाइन का सूत्र CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसी तरह से मेथेनॉल का सूत्र लिखने के लिए हम लिखेंगे CH3OH। इस तरह से कुछ बंधों को या लगभग सभी बंधों को इसमें हटा दिया जाता है। इतना ही नहीं, यदि हमें लंबी कार्बन श्रृंखला युक्त यौगिकों का सूत्र इसमें लिखना है तो उसे लिखने के लिए, जैसे कि यहाँ पर आपको 8 कार्बन श्रृंखला वाला एक यौगिक का सूत्र दिख रहा है, इसे हम संघनित रूप से लिखने के लिए इसके दोनों किनारे के जो CH3CH3 समूह को लिखा जाता है, तथा बीच में जो 6CH2 समूह, क्योंकि समान समूह हैं, इन्हें 6 बार ना लिखकर इन्हें एक छोटे ब्रैकेट के अंदर, कोष्टक के अंदर लिख देते हैं, तथा इसकी संख्या को, जैसे कि ये 6 संख्या में है, इन संख्या को नीचे पादांक के रूप में या अंडरस्क्रिप्ट के रूप में लिख दिया जाता है। तो इस तरह से हम ये ऑक्टेन है ना, ऑक्टेन ये जो आपका कंपाउंड है, इसको किस तरह से लिखेंगे, CH3CH2 होल 6CH3। तो इस तरह से हम लंबी लंबी कार्बन श्रृंखला वाले यौगिक को भी संघनित रूप से लिख सकते हैं। चौथी विधि है आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र। इसमें ना तो कार्बन को प्रदर्शित किया जाता है और ना ही हाइड्रोजन को प्रदर्शित किया जाता है, बल्कि यौगिक को टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग लाइनों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जहाँ पर दो छोटी लाइनें मिलती हैं तथा सिरों पर कार्बन उपस्थित है और उसे अपनी संयोजकता पूर्ण करने के लिए जितने हाइड्रोजनों की आवश्यकता है उतने हाइड्रोजनों से जुड़ा हुआ है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर, यदि हमारे पास 8 कार्बन श्रृंखला वाला आपको एक हाइड्रोकार्बन दिख रहा है, कार्बनिक कंपाउंड दिख रहा है, इसे हम किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर आप देखिए जिग जैग लाइनों के द्वारा इसे दर्शाया गया है। इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास 2-ब्रोमो-ब्यूटेन ये सूत्र है, तो उसे हम किस तरह से 3 लाइनों के द्वारा हम लिख सकते हैं, जिसमें कि हमें सिरे पर एक कार्बन, दोनों सिरों पर एक कार्बन है तथा जहाँ पर दो लाइनें जुड़ रही हैं वहाँ पर कार्बन उपस्थित है। उसी तरह से क्योंकि 2 पोजिशन पर ब्रोमो है, अतः 2 पोजीशन पर हम ब्रोमो को दिखाएंगे। यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं दिखाया जाता, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है या कोई जो प्रतिस्थापी हैं उनको दिखाया जाता है। तो इस तरह से आबंध रेखा सूत्र के द्वारा हम कार्बनिक यौगिकों को प्रदर्शित कर सकते हैं। इस तरह से लिखने में हमें समय की भी बचत होती है तथा स्थान की भी बचत होती है। आबंध रेखा सूत्र के द्वारा हम चक्रीय यौगिकों को भी लिख सकते हैं, जैसे कि साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन को हम सिर्फ 3 लाइनों के ट्राइंगल के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। इसी तरह से साइक्लोपेंटेन को हम 5 लाइनों के पंचभुज के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। और यदि इस साइक्लिक चक्र में कोई प्रतिस्थापी है तो उसे प्रदर्शित किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, तो यहाँ पर हम एक रिंग के द्वारा इसे दर्शाएंगे तथा जो क्लोरो है उसे स्पष्ट रूप से लिख देंगे। तो इस तरह से हम इन अलग अलग सूत्रों के द्वारा कार्बनिक यौगिकों को प्रदर्शित कर सकते हैं। बच्चों, आपने देखा कि कार्बनिक यौगिकों को कई संरचनात्मक सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये सभी सूत्र पेपर पर बनाए जाते हैं तथा द्विविमीय सूत्र कहलाते हैं। द्विविमीय सूत्र को त्रिविमीय यानी कि 3D में भी प्रदर्शित करने की कई विधियां होती हैं। जैसे एक विधि है सॉलिड एंड वेज सूत्र विधि। इस विधि में कार्बन के विभिन्न बंधों को 3 प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। वे बंध जो कार्बन के साथ समतल पर होते हैं उन्हें सॉलिड लाइन के द्वारा दिखाया जाता है। इसी तरह से वे आबंध जो कार्बन तल के सामने की ओर यानी कि दर्शक की ओर होते हैं उन्हें सॉलिड वेज के द्वारा दर्शाया जाता है, तथा वे आबंध जो कार्बन तल से पीछे की ओर यानी कि दर्शक से दूर होते हैं उन्हें डस वेज के द्वारा दर्शाया जाता है।
उदाहरण के तौर पर यहाँ पर आपको मेथेन की 10-वेज संरचना दिखाई दे रही है। इस संरचना में आप देख रहे हैं कि कार्बन से जो 4 हाइड्रोजन बंधे हुए हैं वो 3 प्रकार से आबंधित हैं। 2 हाइड्रोजन जो कि सॉलिड लाइन के द्वारा बंधे हुए हैं वे कार्बन के साथ उसी तल पर मौजूद हैं, यानी कि पेपर के तल पर मौजूद हैं, जबकि वह हाइड्रोजन का आबंध जो आपको सॉलिड वेज के रूप में दिखाई दे रहा है यह हमारी ओर यानी कि कार्बन के तल से सामने की ओर मौजूद है। इसी तरह से जो कार्बन आबंध हाइड्रोजन आबंध आपको पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है वह 10 वेज के रूप में मौजूद है। इस तरह से हम किसी भी कार्बनिक यौगिक की संरचना को द्विविमीय संरचना को त्रिविमीय संरचना के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके अलावा भी कार्बनिक यौगिकों की 3D संरचना को प्रदर्शित करने के लिए कई आणविक मॉडल मौजूद हैं, जैसे कि फ्रेमवर्क मॉडल, बॉल एंड स्टिक मॉडल तथा स्पेस फिलिंग मॉडल। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है फ्रेमवर्क मॉडल, इस मॉडल में केवल आबंधों को दर्शाया जाता है, इसमें परमाणुओं को प्रदर्शित नहीं किया जाता है, लेकिन इस आबंध के द्वारा हमें परमाणुओं के बीच उपस्थित बॉन्ड एंगल जो आबंध कोण है उनका पता चल जाता है। दूसरी ओर आप देख रहे हैं बॉल एंड स्टिक मॉडल, इस मॉडल में आबंधों को स्टिक के द्वारा तथा परमाणुओं को बॉल्स के द्वारा दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर विभिन्न परमाणुओं को एक ही प्रकार के बॉल्स के दिखाते हैं जिससे हमें परमाणुओं के सही आकार का पता नहीं चल पाता है। इस कमी की पूर्ति के लिए तीसरा मॉडल होता है स्पेस फिलिंग मॉडल। जैसा कि आप देख रहे हैं इस मॉडल में आबंध मौजूद नहीं होते हैं लेकिन परमाणुओं को उनके सही आकार में प्रदर्शित किया जाता है। वो स्पेस में कितना आकार कितना आयतन घेरता है यह इसको देखकर स्पष्ट रूप से पता चलता है। तो इस तरह से इसके अलावा भी कंप्यूटर ग्राफिक्स तथा एनिमेशन के द्वारा भी हम कार्बनिक यौगिकों के 3D मॉडल्स को अच्छी तरह से समझ सकते हैं।